हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेलर हब में फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डोकेंडल शिप मैनेजमेंट के बारे में। बहुत दिन से अमित भाई का कमेंट आ रहा था कि इस कंपनी के बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाओ, कैसी कंपनी है और इस कंपनी में कैसे ज्वाइनिंग करें। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइज, डोकेंडल शिपिंग बेसिकली जो है वो मर ग्रुप की कंपनी है और डोकेंडल शिपिंग दुबई बेस्ड कंपनी है। और गाइज, इस कंपनी का जो हेड ऑफिस है गाइज वो दुबई में है और इंडिया में इस कंपनी का जो ऑफिस है गाइज वो अंधेरी ईस्ट में है, जहाँ से वो पूरे इंडिया की मैनिंग करती है। और इस कंपनी का आरपीएस नंबर जो है वो MUM191 है, जो कि डीजी शिपिंग द्वारा अप्रूव्ड है। और डोकेंडल शिपिंग जो है गाइज एक ऑनरशिप मैनेजमेंट कंपनी है, रेपुटेटेड कंपनी है। इस कंपनी के पास गैस आपको सभी वैसल जो है वो ड्राई कार्गो वैसल मिलेंगे, आपको इस कंपनी के पास वर्ल्ड कैरियर लॉग कैरियर वैसल मिलेंगे और सभी वैसल जो है वो गैस अच्छे जीआरटी के वैसल है इस कंपनी के पास। आपको इस कंपनी के पास 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 जीआरटी तक के वैसल इस कंपनी के पास आपको मिल जाएंगे। और डोकेंडल शिपिंग बहुत अच्छी कंपनी है गैस, इस कंपनी के जो वैसल है गैस वो वर्ल्ड वाइड सेल करते हैं। डोकेंडल शिपिंग जो है गाइस वो चार पांच कंट्रियों से मैनिंग करती है, जैसे डेनमार्क, इंडिया, सिंगापुर, हांगकांग, अफ्रीका, इन चार पांच कंट्रियों से मैनिंग करती है। और इस कंपनी के बैसल पे गाइस आपको मिक्स क्रू मिलेगा, बट ज्यादातर जो है गाइस आपको इस कंपनी के बैसल पे इंडियन क्रू मिलेगा। और खाना पीना भी गाइस इस कंपनी के बैसल पे मस्त है, आपको इंडियन फूड मिल जाता है इस कंपनी के बैसल पे। और सैलरी की बात करें गाइस तो इस कंपनी में सैलरी भी अच्छी है मार्केट के हिसाब से। इस कंपनी में एवीओलर की जो सैलरी वो 1,000 से $1,200 तक जाती है एवीओलर की सैलरी। और ऑफिसर लेवल में भी गाइस अच्छी सैलरी है इस कंपनी में, सैलरी के मामले में बहुत अच्छी कंपनी है गाइस, आपको सैलरी जो इस कंपनी में टाइम टू टाइम मिल जाती है। और गाइस, अगर आप इस कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास कम से कम जो है वो 12 मंथ का रैंक एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके गाइस आप इस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि ये कंपनी जो है वो फ्रेशर को नहीं लेती है, पहले लेती थी बट गाइज अब ये कंपनी फ्रेशर को नहीं लेती है। अगर आप इस कंपनी में एज अ फ्रेशर जाओगे तो गाइज बहुत मुश्किल है आपको कंपनी ले ले, बट गाइज अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कैरियर वेसल पे और वॉच कीपिंग है तो आप इस कंपनी में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनी जो वो एक्सपीरियंस क्रू को लेती है। और गाइज अगर आप इस कंपनी में एज अ कैडेट ज्वाइन करना चाहते हो तो ये कंपनी जो वो इंटरनेशनल मैरिटाइम इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा में आती है कैंपस के लिए और अपने सभी कैडेट जो वो वहीं से उठाती है। तो गाइज इंटरनेशनल मैरिटाइम इंस्टीट्यूट से गाइज इस कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेके गाइज आप इस कंपनी में एज ए कैडेट ज्वाइन कर सकते हो। और गाइज ये कंपनी वर्ल्ड कैरियर वैसल के लिए बेस्ट कंपनी है, इस कंपनी के पास सभी वर्ल्ड कैरियर वैसल हैं और इस कंपनी के जो वैसल हैं गाइज वो वर्ल्ड वाइड सेल करते हैं। अगर गाइज आप इस कंपनी में ज्वाइन करने जा रहे हो तो गाइज आपसे कंपनी यूएस वीजा मांगती है, अगर आपके पास यूएस वीजा है तो यूएस वीजा वालों को गाइज ये कंपनी जल्दी लेती है। और इस कंपनी में गाइज रेफरेंस भी लगता है, अगर आपका कोई रेफरेंस है इस कंपनी में तो गाइज वो आपका इस कंपनी में करवा सकता है। डोकेंडल शिपिंग गाइज बहुत अच्छी कंपनी है, फुल आईटीएफ कंपनी है और ये कंपनी जो है गाइज आपको रीज्वाइनिंग पे बोनस भी देती है। और कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो गाइज इस कंपनी में सीनियर ऑफिसर के लिए 4 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है और जूनियर ऑफिसर के लिए गाइज 5 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है इस कंपनी में। और क्रू लेवल के लिए जो है वो 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो बहुत अच्छा है इस कंपनी में और वेटिंग पीरियड भी बहुत कम है इस कंपनी में। तो गाइज ओवरऑल बेस्ट कंपनी है, अगर आप वर्ल्ड कैरियर वेसल पे करियर बनाना चाहते हो, वर्ल्ड कैरियर पे सेल करना चाहते हो तो अच्छी कंपनी है डोकेंडल शिपिंग, बहुत बड़ी कंपनी है गाइज, फुल आईटीएफ कंपनी है और इस कंपनी के वेसल जो वो वर्ल्ड वाइड सेल करते हैं, तो गाइज आपको घूमने को भी अच्छा मिलता है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना था, अगर इस वीडियो के बाद इस कंपनी के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन रहेगा या कोई क्वेरी रहेगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। And thank you for watching this video.